बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से स्टेशन के अंदर। यस यस यस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, राइट? यस यस यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम लोग आरटीपी का डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे पूरे जितने भी इस बार आरटीपी में सवाल आए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं इसके अंदर करूंगा। इसके अलावा जो मैं अभी एमसीक्यू का एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ, तो एमसीक्यू के सेशन में मैं जितने भी आरटीपी के हैं, जितने भी हमारी जो इंस्टीट्यूट की अपनी जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे चीजों के क्वेश्चंस भी हम लोग एमसीक्यू के सेशंस में लेने वाले हैं, राइट? ओके, परफेक्ट। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री लिंक बनाया हूं बेटा। इस लिंक का नाम है bit.ly/igsirlive। जैसे ही आप इस लिंक को क्रोम के ऊपर पेस्ट करते हैं स्मॉल में, तो आपको यहां पे CA इंटर लॉ में जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरी आपके लिए एक सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज कर रखा हूँ, जहाँ पे पूरे रिविजन्स है, रिविजन्स के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस है, इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी के सेशन से और अदर कुछ इंपॉर्टेंट सेशन से, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हूँ। जैसे टॉप 70 जो CA इंटर लॉ के क्वेश्चन है, वो LLP के जो पूरे रेगुलर लेक्चर्स है, वो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री रिसोर्सेज के टैब में डाल रखा। तो जितने भी YouTube पे आपको सेशन से, वो सब आपको एक जगह पर मिल जाते हैं अगर आप इस लिंक को विजिट करते हैं। तो आपको करना क्या है, bit.ly/igsirlive, बस आपको इतना पेस्ट करना है क्रोम के ऊपर स्मॉल में। जैसे ही आपके सामने टैब खुला, यहाँ पे CA इंटर के अंदर चले आना, और अगर कोई फाउंडेशन वाला है तो यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर भी जा सकता है, ठीक है? चलिए, ओके दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें आपके साथ, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो, XYZ लिमिटेड इशूड द प्रोस्पेक्टस टू रेज द फंड फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो XYZ करके कंपनी है, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी हो गई बेटा, ये क्या करना चाहती है, ये सर प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करना चाहती है। After successfully raising the funds, company identified an investment opportunity in different industries 6 months later. 6 महीने बाद इनको investment opportunity नजर आती है, जहां पे significant portion of funds को ये invest करने वाले हैं। अब देखो, the proposed investment involves trading in equity shares of other listed company. अब क्या बोल रहा है ये, कि वैसे तो ये manufacturing project के लिए fund को raise की थी, अब ये एक बार फंड को रेस करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, और इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। क्या कोई भी कंपनी यूज कर सकती है कि देखो सर, हम लोग सेक्शन नंबर 27 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है कि आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड को यूज किया था, आप उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करो। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप SR पास करते हो तो, बराबर है क्या? बस ध्यान रखना, वो दूसरा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे वो वही कर रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो क्या कर पाएंगे, नहीं सर नहीं कर पाएंगे, पर अभी और कुछ चीजें बची हुई है। देखो क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्टेड वेरिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फंड्स वेर रेज्ड टू अलाउ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंडेड बाय पासिंग SR। बोले SR पास कर दो, जनरल मीटिंग में सब हो जाएगा। While promoters and controlling shareholders supported this change, some shareholders expressed concern. कुछ shareholder ने बोला नहीं 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 गलत है गलत है गलत है करके, है ना? अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो proposal दिया गया है, क्या ये proposal सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने जो कहा आपके साथ, section number 27 आएगा, जो क्या कहता है कि
कि प्रॉस्पेक्टस फॉर मतलब ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रॉस्पेक्टस वॉज इशूड, अगर आप इसको वेरी करना चाहते हो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा क्या? यस सर, एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला गया समझना, दूसरा प्रोविजन कहता है इसका कि आपने जो पैसे, आपने जो पैसा रेस किया है ना, वो ध्यान रखना वो क्या नहीं होना चाहिए, बाइंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या किसी भी प्रकार से डील करने के लिए इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी, वो नहीं होना चाहिए। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए एक्स वाई जेड वही प्लान कर रहा है क्या? हाँ, तो क्या वो कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। मुझे जरा एक बात बताइए, क्या वो कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। समझे क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया बढ़िया, बोलो 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 मुझे जल्दी से, एकदम बढ़िया बढ़िया। सर इसका पीडीएफ का है? इसका पीडीएफ बेटा आईसीआई के साइट के ऊपर है। आप आईसीआई के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना तो आप इसके आरटीपी को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना? तो आप आसानी से बिल्कुल आरटीपी को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो क्या बोल रहे हैं। XYZ Tech Solution Limited is growing technology company that has seen significant contribution from its employees, okay, and directors in development of groundbreaking software products. To reward these key contributors, the board proposed to issue sweat equity shares to certain employees. Yes, sweat equity share issue karna chahte hain. XYZ Tech Solution Limited has already issued ordinary shares but has never issued sweat equity shares. कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़, पेड अप देख लो कितना है 20 करोड़। कंपनी इज प्रपोज टू इन्वेस्ट दी शेयर्स कितने का, 4 करोड़ रुपए ऑफ फेस वैल्यू। द कंपनीज बोर्ड हैज ड्राफ्टेड स्पेशल रेजोल्यूशन आउटलाइनिंग द प्रपोज्ड इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज एलिजिबल टू रिसीव द शेयर्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ है समझना बात को, बेसिकली हो ये रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बोलो सर? हो ये रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर पाएंगी क्या? अरे बोलो ना, क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर पाएंगी क्या? चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए सेक्शन नंबर कौन सा होता है? सेक्शन नंबर होता है 54। क्या होता है बोलो? सेक्शन नंबर 54 होता है। वो कहता है कि एक कंपनी जो है ये स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। बस ध्यान रखना जिस क्लास होना चाहिए ना वो ऑलरेडी इशूड क्लास होना चाहिए। दूसरा, आपने एसआर पास करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो? जो आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो इसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बोलो? पूरी डिटेल्स आपको देना पड़ता है क्या? यस सर, पूरी डिटेल्स देना पड़ता है। ओके, फिर बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया कि सर ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, इसका अलॉटमेंट आपने कब से करना है? जब से आपने एसआर पास किया है वहां से 12 महीनों के अंदर आपने अलॉटमेंट करना है। क्या करना है? अलॉटमेंट करना है। ओके, फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था क्या? अपन लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। क्या पढ़ा था बोलो? कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है स्वेट इक्विटी शेयर का, कितना हो सकता है? तो देखो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, या इशू वैल्यू कितना है बताइए जल्दी से, या इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ तक, लेस देन या इक्वल टू 5 करोड़ तक यहाँ पे हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी समय जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 25% ऑफ इसका, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, बराबर है क्या? यस सर। अब सवाल उठता है कि कंपनी यहां पे 4 करोड़ इशू करना चाहती है तो क्या वो कर सकती है क्या? सवाल तो ये बनता है। तो देखो अब यहां पे सर कितना पेड अप कैपिटल है? 20 का 15% कितना होता है? 20 करोड़ का 15% होता है 3 करोड़ रुपए। कितना होता है? 3 करोड़ रुपए सर यहां पे होता है। अब हायर ऑफ 3 करोड़ या 5 करोड़, तो लिमिट क्या होंगे बोलो जल्दी से? तो लिमिट तो होंगी सर 5 करोड़ रुपए। कितने की लिमिट होंगी बोलो? 5 करोड़ रुपए की लिमिट होंगी। 3 करोड़ और 5 करोड़ में से विचेवर इज मोर, 5 करोड़। अब कंपनी, अच्छा, और 25% ऑफ 20 करोड़ कितना होता है? तो सर ये भी 5 करोड़ होता है। मतलब 5 करोड़ तक टोटल में इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, और आज तक कंपनी ने एक भी
इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया, जीरो इक्विटी शेयर है। लिखा है वहां पे कि कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू किया है, आज तक इक्विटी नहीं किया, मतलब जीरो है। तो 5 करोड़ तक कर सकती है। अब कितना कर रही है? तो 4 करोड़ कर रही है, तो कर सकती है क्या 4 करोड़ से बड़ी इक्विटी शेयर इशू? बिल्कुल बिल्कुल सर, अलाउड है। क्या कहा मैंने, बोलो? बिल्कुल अलाउड है। कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए क्या बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? है ना? यस, एकदम इजी। थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल है ये। कैसे अच्छा है मैं बताऊं आपको? क्योंकि इन्होंने जो बताया ना, क्या बताया यहाँ पे कि आज तक कंपनी ने, देखो, नेवर इशूड स्वेट इक्विटी शेयर। इससे क्या समझ में आता है कि अभी तक तो जीरो है ना, है ना? तो 25% जब हम लोग करते हैं, 25% ऑफ 20, तो उतना अपने को समझ में आता है। बराबर है क्या? अरे बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? यस। चलिए सर, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। 13 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए अपना अभी का। ये सारे अगर आप देखोगे तो अपने को अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐसे काफी सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कई बहुत सारे अपने कैलकुलेशन बेस्ड सवाल अपन लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब देखो क्या, PQR लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन। टू सपोर्ट दिस एक्सपांशन PQR लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ प्लॉट अलॉन्ग विद द बिल्डिंग ऑन इट फ्रॉम ABC लिमिटेड अनदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। The property is, however, subject to existing charge created in the favor of bank security for the loan taken by ABC Limited. The charge has been registered by ABC Limited. At that time, the director of PQR are of the opinion that as charge for the property was already created, there is no further obligation to be fulfilled from the side of PQR. After negotiations, the bank as a charge holder consents to sale and transfer property to PQR with condition that PQR Limited must register new charge over the acquired property for security for loan obligations. Advise the contention of directors of PQR is correct or not? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक ने जो बोला ना वो सही बोला है क्या? Yes sir. क्यों? क्योंकि देखो section number 77 आता है। सेक्शन नंबर 77 क्या कहता है समझना। 77 कहता है कि जब कंपनी एक्वायर करती है प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है या कोई मॉडिफिकेशन है चार्ज के ऊपर, तब ये बात करता है। बराबर है क्या? यस। अब देखो क्या, अब यहाँ पे बोल के एक सेक्शन नंबर 79 है, वो क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी असेट को परचेस कर रही है बेटा जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो इस कंपनी का ऑब्लिगेशन आता है। क्या आता है बोलो? इस कंपनी का ऑब्लिगेशन आता है कि वो क्या करे, चार्ज को रजिस्टर करे। क्या करे बोलो जल्दी से? चार्ज को रजिस्टर करे। बराबर है क्या? यस। तो अब देखिए हो क्या रहा है, सेक्शन 77 में जब कंपनी ने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, मतलब PQR ने एक्वायर किया, तो PQR की जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या करे, PQR की जिम्मेवारी बनती है कि वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करे। क्या करे बोलो? फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें। तो जो डायरेक्टर बोल रहे कि अरे चार्ज तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या वो सही है क्या? नहीं सर, कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज नॉट करेक्ट। क्या बोलेंगे आप लोग बोलो? कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज नॉट करेक्ट, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा कि जो डायरेक्टर बोल रहे हैं ना, जो डायरेक्टर बोल रहे हैं ना, तो वो सही होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। आकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 1.5 करोड़ का ऑलरेडी इशूड है, तो ये जो 25% की आप लिमिट निकालते हैं ना, है ना, तो इसके अंदर जो भी आपका अमाउंट आता माइनस 1.5 करोड़ करते, मतलब 3.5 करोड़ तक का ही मैक्सिमम स्वेट इक्विटी इशू कर पाते अगर ऐसा होता तो। इनकेस अगर होता तो की बात है, अब हुआ नहीं है तो सोचना क्यों फिर उसके बारे में, है ना? होता तो डेफिनेटली माइनस करते फिर अपन। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या, विशाल लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके 5 डायरेक्टर है जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट है। सैम प्राइवेट लिमिटेड, सैम देखो, सैम पी लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड है बेटा वो, ठीक है, ओके, इज अ सब्सिडरी ऑफ विशाल लिमिटेड जिसका पेड अप कैपिटल है 1.5 करोड़ का और जिसमें 40 मेंबर है और टर्नओवर है कितने, 18 करोड़ का। 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट सेटिस्फाई हो रही है और वो बोल रही है ना, एंड दी सेड कंपनी इज नॉट स्टार्टअप, स्टार्टअप भी नहीं बोला।
अब ये मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती। दिस प्रोवाइडेड दैट सैम प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट स्टार्टअप, पहले ही बोल दिया इन्होंने। अब आपको ऊपर के सिनेरियो में बताना है कि क्या कैश फ्लो मैंडेटरी है क्या, तो मुझे एक बात बताइए क्या कैश फ्लो यहाँ पे मैंडेटरी है? हाँ सर, कैश फ्लो मैंडेटरी है। देखो सर, आपको लिखना है यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, इसके अलावा सो की और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आते हैं। फिर आप बोलोगे कि वन पर्सन कंपनी जो होती है ना, वन पर्सन कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनको क्या बनाने की जरूरत नहीं है? बोलो सर, उनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। पर ये देखो, स्टार्टअप ये है नहीं और स्मॉल कंपनी का दर्जा ये ले नहीं रहे, तो मुझे बताइए क्या इनको बनाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, इनको कैश फ्लो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्मॉल कंपनी के केस में ये नहीं आने वाले हैं। और दूसरा बोला गया है कि डोरमेंट कंपनी है क्या, तो मुझे एक बात बताइए, कंपनी तो एक्टिवली एंगेज्ड है बिजनेस में। अरे जो बिजनेस में एक्टिवली एंगेज्ड है बेटा, तो वो कैसे बन सकती है? आप सोच के देखिए ना, क्या वो बन सकती है क्या डोरमेंट कंपनी? नहीं सर, डोरमेंट कंपनी के लिए तो जो कंपनी है ना वो एक्टिवली एंगेज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब जाके वो डोरमेंट कंपनी बनती है। पर यहाँ पे कंपनी एक्टिवली एंगेज्ड है तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती, स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडियरी कंपनी है। याद है ना आपको कि सर सब्सिडियरी कंपनी होती है, और कौन सी कंपनी मुझे कोई बता सकता है कि सर वो होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, सेक्शन 8 नहीं होना, और ऐसा और कुछ कुछ कंडीशन है, और एक क्या स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए सर, तब जाके हम लोग कहते हैं कि वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। बाकी वो जो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिमिट है ना, वो सेटिस्फाई बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बट क्योंकि वो कंडीशन अचीव नहीं हो पाई, इसलिए मैं कहूंगा स्मॉल कंपनी नहीं है। ओके, अगला नेक्स्ट देखो 15। प्राण लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एज अगरताला। अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान रखना। कंपनी शेड्यूल्ड एजीएम ऑन 31 जुलाई इन गोवा। मीटिंग कमेंस्ड एट 3 PM एंड कंक्लूडेड एट 6 PM। It is also provided that on 1st of July 24, company has obtained written consent from all members via email regarding hold of AGM outside the state location. Outside the state location. तो देखो क्या, वैसे तो AGM जो है ना बेटा, वो business hours के अंदर होना चाहिए, और ध्यान रखना वो national holiday नहीं होना चाहिए, business hours 9 AM से 6 PM तक होते हैं, बराबर है ना? Yes. और वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होना चाहिए, या कोई दूसरी प्लेस विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज भी हो सकता है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक प्राइवेट दोनों आ गया, और उसमें 100% मेंबर्स राइटिंग में कंसेंट देते हैं, क्या देते हैं बोलो? राइटिंग में कंसेंट देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंसेंट देते हैं, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ कि सर कोई दूसरी प्लेस में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो 100% मेंबर्स ने दिया, क्या मीटिंग के पहले दिया, 1 तारीख को ही दे दिया था, तो गोवा में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, मीटिंग क्या है, वैलिड है। बोलो जल्दी से, मीटिंग क्या है, एब्सोल्युटली वैलिड मीटिंग है सर, कोई इसके अंदर परेशानी है क्या? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। मुझे बताइए क्या अभी तक आप सभी लोगों को सारी सारी बातें समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो, क्या अभी तक आपको सारी सारी बातें समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। एकदम इजी, यस। देखो यहाँ पे इन्होंने वाया मेल डाला। अब कभी मैं आपको बताता हूँ, ये ना एक्सीलेंट पॉइंट है, बच्चों को है ना सिर्फ राइटिंग ध्यान में रह जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड भूल जाते हैं अपन, है ना? तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से बुलाया तो भी चलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल चलता है सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है? ओके, चलो अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखो क्या है, कौन सा क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन। HD Software Limited is engaged in business of providing software services. The company appointed statutory auditor, not first auditor. Limited है मतलब listed company है, मतलब अपना मतलब public company, ठीक है? आ जाओ अब देखो, statutory auditor. The board of directors of the company inform the auditor that fees shall be fixed by board of directors only. बोले BOD each fix करेंगे, और कोई नहीं करेंगे, केवल और केवल board of director को fix करना पड़ेगा,
है ना। यस, अब देखो सुनो सुनो सुनो, बट अब स्पेसिफिकली बोला है नॉट द फर्स्ट ऑडिट, फर्स्ट ऑडिटर होता है तो बोर्ड रेम्यूनरेशन फिक्स करता है, पता है हमें। अब बट ऑडिटर ऑब्जेक्टेड द सेम, नाउ डायरेक्टर हैव टू अप्रोच यू टू एडवाइस कि क्या यहाँ पे वो फिक्स कर सकते हैं क्या रेम्यूनरेशन को। सबसे पहले मैं बता दूं इसके अंदर सेक्शन नंबर आता है सेक्शन नंबर 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करता है। ये कहता है कि ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है ना, ये जनरल मीटिंग में फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स होना चाहिए बोलो? जनरल मीटिंग में फिक्स होना चाहिए, या ऐसा मैनर जो जनरल मीटिंग डिटरमाइन करे ना, वो मैनर में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वो नीड ऑफ आर है बेटा, ठीक है। फिर इसके अलावा सर, ये जो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है उसके अंदर एक्सपेंसेस इंकर्ड और ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। अब सवाल क्या बनता है यहाँ पे? अब सवाल बनता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीछे पड़े कि हमको रेम्यूनरेशन फिक्स करना है, तो क्या ये कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है सर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में ये नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने बोलो? सब्सिक्वेंट के ऑडिटर के केस में ये नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या? यस, सारे लोग इस बात को समझे क्या? फटाफट बताइए मुझे। क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला केस है इसलिए ये चीज हो नहीं सकती, अदरवाइज ये चीज हो सकती थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती थी सर, फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सेवेंटीन क्वेश्चन देखिए। चलो मैं रीड करता हूं। अमित एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन XYZ LLP, अ कंसल्टिंग फर्म। रिसेंटली प्रिया मूव टू न्यू एड्रेस एंड फॉरगॉट टू नोटिफाई द LLP विद इन द सेड पीरियड या रिक्वायर्ड पीरियड। अ मंथ लेटर अमित कजिन्स रमेश एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन जॉइनिंग LLP एंड आफ्टर फ्यू डिस्कशन ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ न्यू पार्टनर। मतलब रमेश का एडमिशन हुआ और प्रिया का एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है, ओके। However, देखो क्या, XLLP did not immediately update registrar of company's ROC regarding company's address or Ramesh admission. है ना? अब देखो, 2 months later after Ramesh joined, LLP filed a notice with ROC about these changes. अब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या LLP से डिफॉल्ट हुआ है क्या, और कौन से इसमें डिफॉल्ट हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखो क्या, सबसे पहली बात तो ये आता है सेक्शन नंबर किसके अंदर, सेक्शन नंबर 25 के अंदर ये बात आती है। सेक्शन नंबर 25 का पहला पॉइंट क्या कहता है कि पार्टनर ने अगर अपने नाम को, अगर अपने एड्रेस को चेंज किया है तो इस बात को आपको चेंज से 15 दिनों के अंदर बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 15 दिनों के अंदर बताना पड़ता है, ओके। दूसरा, फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो LLP है ना, जो LLP है ना, ये ROC को इन्फॉर्म करती है कितने दिन में? 30 डेज में इन्फॉर्म करती है। जब से एडमिशन हुआ है, जब से सेसेशन हुआ है, सेसेशन मतलब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तब से आपको 30 दिनों के अंदर बताना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई चेंज ऑफ एड्रेस हुआ है तो ये भी आपको 30 डेज के अंदर बताना पड़ता है फ्रॉम चेंज, ध्यान रखना, फ्रॉम सच चेंज, जब से वो चेंज हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर बताना पड़ता है। अब देखो हुआ क्या, अब ये जो नोटिस है आप इसके साथ फीस भेजते हो, इसको साइन करता है DP और वो सब चीजें, तो एकदम कॉमन है जो आपको थर्ड सबसेक्शन में लिखना ही पड़ेगा, ओके। अब सवाल बनता है कि प्रिया ने यहाँ पे जो इन्फॉर्म, अब ये जो प्रिया का एड्रेस चेंज था, है ना, प्रिया का जो एड्रेस चेंज था, इसका क्या होना चाहिए? तो प्रिया ने सर जो एड्रेस चेंज किया है ना, ये 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज क्या करेंगी? LLP इन्फॉर्म करेंगी ROC को। सेम रमेश के साथ भी होना चाहिए। अब मुझे बताइए दोनों सिचुएशन में क्या कंप्लाई हुए क्या नहीं हुए, ये आपको कैसे पता चला सर? देखो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि इन्होंने रजिस्ट्रार को 2 months के आफ्टर इन्फॉर्म किया,
2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने में 60 दिन तो बेयर मिनिमम हो गए बेटा, है ना। यस, तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि यस एलएलपी से डिफॉल्ट हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है। क्या हुआ है बोलो जल्दी से, एलएलपी से डिफॉल्ट हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एलएलपी से डिफॉल्ट हुआ है। ओके सर, अब बात करेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में। ये बहुत ही पांचट सा, मतलब मुझे लग नहीं रहा था इतना इजी क्यों आरटीपी में दिया करके, वो उससे रिगार्डिंग है कि एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कब आती है करके। देखो, द पार्लियामेंट रिसेंटली पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट टू स्ट्रेंथन रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। द एक्ट स्पेसिफाइड द कमेंसमेंट एज ऑन द 1st of September 2024 एंड प्रेसिडेंट गेव एसेंट टू द एक्ट ऑन 15 जुलाई। देखो, एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला तब से आप चालू करते हो। अगर एक्ट कुछ नहीं बोलता तो जब से प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है तब से आप करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हो। देखो, ये वही पूछ रहे हैं आपसे कि कब से एक्ट कमेंसमेंट हुआ है, तो सर 1st of September जब क्लियरली लिखा हुआ है, तो जब सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, कि कब सेंट्रल एक्ट का कमेंसमेंट होगा, जब उसके ऊपर तारीख लिखे ना तो उस तारीख से। अगर कोई तारीख नहीं होती तो जब से प्रेसिडेंट का असेंट मिलता तब अपन मान लेते। अब यहाँ पे 1 सितंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप 1 सितंबर को ही तारीख मानोगे क्या? हाँ सर, आप 1 सितंबर को तारीख मानते हो। गॉट इट? बोलो बोलो बोलो, गॉट इट? यस। अब देखो नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैट्यू व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूसेज या कस्टम्स या प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली ये पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ यूसेज क्या है, यूसेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली इनका देखो, अपन ने इसमें पढ़ा हुआ है इंटरप्रिटेशन के अंदर कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, कि मतलब जिस समय लॉ आया था उस समय क्या कस्टम था, उस समय किस तरीके से लोग इंटरप्रेट करते थे चीजों को, क्या लोग आजू बाजू फॉलो कर रहे थे, वो कस्टम्स वो इंटरप्रिटेशन करने में मदद करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिकली ये कहता है कि जिस समय डॉक्यूमेंट या कोई भी चीजें एक्ट एनैक्ट हुई थी उस समय उस टाइम पर क्या लिखा गया था, क्या सोच के लिखा गया था लॉ मेकर ने, उस तरीके से आपने इंटरप्रेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। यस, अब देखिए बहुत इजी, रवि इज एन इंडियन सिटीजन, वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर इंटरनेशनल कंपनी। इंडियन सिटीजन है, इंडिया में ही रह रहा है। अब देखो, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रवि रिसाइडेड फॉर 200 दिन, हाउएवर अप्रैल में मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 था, तो अभी क्या चलेगा 24-25 चलेगा बेटा, ठीक है। यस, अप्रैल में उसने जॉब एक्सेप्ट किया कनाडा में जॉब के लिए जा रहा है बेटा वो, ठीक है। ओके, लॉन्ग टर्म वीजा, प्लानिंग टू सेटल इनफाइनाइटली। खैर, वो जॉब के लिए गया तो 3 स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए अगर कोई व्यक्ति चले जाता है इंडिया के बाहर तो उसे अपन लोग क्या नाम दे देते हैं, उसे अपन लोग PROI का नाम देते हैं। सर पिछला साल पूछा होता तो मैं उसे PRI कहता क्या? हाँ, क्योंकि वो इंडिया में जॉब कर रहा था, भले इंटरनेशनल कंपनी के लिए कर रहा था बट इंडिया में काम कर रहा था तो मैं उसे PRI कहूंगा, बट क्योंकि वो इंडिया के बाहर जा चुका है, जॉब के लिए जा चुका है, तो उसका स्टेटस क्या होगा राजा? उसका स्टेटस PROI होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो जल्दी से, उसका स्टेटस PROI होने वाला है। बड़ा इजी है बेटा, क्या था बताइए मुझे जल्दी से। अगर कोई व्यक्ति पिछले साल में 183 और मोर डेज के लिए रहता है और वो इस साल में 3 स्पेसिफाइड रीजंस के कारण इंडिया से बाहर जाता है तो वो PROI कहलाया जाएगा। सर वो 3 रीजन के कारण इंडिया में आता है, भली पहली कंडीशन अचीव ना हो तो उसे अपन लोग PRI कहते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? यस सर, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलना है। डन 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 डन, बोलो जल्दी से। यस, तो यहाँ पे अपन ने 30 मिनट के अंदर अपनी पूरी आरटीपी डिस्कस कर ली है। सर हमें लिख के प्रैक्टिस करना है ना, सर आप लिखा के प्रैक्टिस कराइए ना। तो देखो मैं आपको बता दूं, सारे सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए मेरे राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है और यहाँ पे चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है, मतलब यूनिट 1, 2, 3 एक इसमें कवर हुआ है, फिर 4, 5, 6 एक इसमें, 7, 8 एक इसमें, 9, 10, 11 एक इसमें। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिया हूं मैंने, तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर ऐसे पूरे क्वेश्चंस कवर्ड है जो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि आपको पेपर में क्या लिखना है, राइट। तो शुरुआत में मैंने लिंक बताया था bit.ly/igsirlive, आप उसको पे जाइए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, जरूर से देखिए और उसका फायदा उठाइए। हालांकि हमने ये पूरी आरटीपी डिस्कस कर ली है, होप सो ये आरटीपी जो है बड़ी ही आसान लगी हो आप लोगों को, है ना। यस सर, फाउंडेशन की भी आरटीपी, बेटा फाउंडेशन की आरटीपी राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू कराऊंगा, क्योंकि फाउंडेशन में राइटिंग प्रैक्टिस के जो सेशंस होते हैं वो आरटीपी के होते हैं मेरे,
ठीक है ना, तो वो मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू कर रहा हूँ। इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस से सेशन दूसरे चल रहे, तो यहाँ पे इनका डिस्कशन कर लिया मैंने, ठीक है। ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। एमसीक्यू को जल्द डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे एमसीक्यू के सेशंस के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।